हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस वीडियो हम बात करेंगे पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में आपको जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना है उसमें आपको कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगेगा आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। रजिस्ट्रेशन के टाइम आप जब भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिएगा तो उसमें आपको कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और एक एक सर्टिफिकेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने के टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हम सभी संकाय के बारे में, चाहे बीएससी से हो, बीकॉम से हो या बीए से हो, सभी संकाय के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये सभी कॉलेज के लिए भी है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी कॉलेज आते हैं उन सभी कॉलेज के लिए भी है। और इसमें हम एक एक डॉक्यूमेंट्स को हम देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, ये मैं आपको प्रीवियस ईयर जो आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स लगा था उस बेसिस पे आप सभी को मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये इस बार का नहीं है, पिछले ईयर का है और इस बार इस साल भी ऐसा ही होगा क्योंकि ऐसा ही डॉक्यूमेंट्स लगेगा। अगर ऐसा नहीं होता, जो भी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जो भी खबर आएगी मैं आपको सबसे पहले वैसे पहुँचाने का प्रयास करूँगा। तो मैं आपको पिछले ईयर का ओवरव्यू देता हूँ, पिछले ईयर किस किस डॉक्यूमेंट लगा था। ये एक स्टूडेंट्स का है फ्रेंड्स, और वो उसका मैं यहाँ पर नाम और उसका जो भी डिटेल्स था उसको मैं यहाँ पे ब्लर कर चुका हूँ। ये जो है ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट वो आपको मैं बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे दिस इज़ कंप्यूटर जनरेटेड रिसिप्ट, हेंस नो सिग्नेचर इज रिक्वायर्ड। तो इसमें आपको सिग्नेचर का जरूरी नहीं पड़ेगा। और आप फॉर्म भरने के टाइम रजिस्ट्रेशन करने के टाइम आपको एक लिखित रूप से रिटेन जो है आपको डाउनलोड करके अपलोड करना पड़ेगा, एक फ़ोटो खींच के आपको रजिस्ट्रेशन करने टाइम में आपको अपलोड करना पड़ेगा। वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ देखिए आपको सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये आपको सबसे पहले मस्ट लगेगा। तो आपको इसके बारे में और सारा डिटेल जो है आपको कल ऑफिशियल वेबसाइट पर जब भी आती है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तो वहाँ से आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। और सबसे पहले आपको इस चैनल पर आपको मिल जाएगा क्योंकि जब भी नहीं हो जाएगी मैं आपको सबसे पहले आपको प्रयास करूँगा देने का। तो फर्स्ट में जो है आपको ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट, सेकेंड में जो आपको लगेगा वो मार्कशीट ऑफ द एग्जाम पास्ट, यानी कि आप जो 12th में जो भी मार्कशीट से एग्जाम पास्ट किए थे वो आपको इसमें ओरिजिनल मार्कशीट नहीं लगेगा, इसमें डुप्लीकेट ही चाहिए आपके लिए क्योंकि ओरिजिनल मार्कशीट आपका कॉलेज पहले ही देख चुका है, ठीक है। तो आपको इसमें डुप्लीकेट मार्कशीट भी जो है आपको यानी कह सकते हैं फोटो कॉपी वो आपको चल सकता है। उसके बाद क्या था, कॉपी ऑफ द कॉलेज एडमिशन रिसिप्ट, कॉलेज में आप जो भी एडमिशन कराए थे तो आपको कॉलेज का रिसिप्ट मिला होगा, तो उसमें आपको कुछ डिटेल दिया गया, फॉर्म नंबर एडमिशन नंबर जो भी दिया होगा उसका ज़रूरत आपको रजिस्ट्रेशन कराने के टाइम में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एक कलर फोटोग्राफ आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए मार्कशीट से आपको मार्कशीट आपको मांगेगा नहीं, ठीक है। मार्कशीट में आपको जितना नंबर आया है वो आपको फिलअप करना रहेगा। अगर आप 12th का पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन कराने वक्त आप फॉर्म भरे होंगे तो उसमें आप देखे होंगे कि उसमें आपको मार्कशीट मांगा नहीं था, मार्कशीट बस आपसे जाना था कि मार्कशीट आपको जो है इसमें कितना नंबर आया था वो आपको नंबर फिलअप करना था। और उसके जो रिसिप्ट निकला था वो रिसिप्ट आप कॉलेज लेके गए होंगे और वहाँ पे एडमिशन कराएंगे और कॉलेज की तरफ से जो रिसीविंग मिला होगा वहीं पर आपको जो है यहाँ पे वही दिया गया है, 3 नंबर में ही है, चलिए मैं इसको वही आपको यहाँ पर दिया गया है, कॉपी ऑफ द कॉलेज एडमिशन रिसिप्ट यही आपको 3 नंबर में दिया गया है। और यहाँ पे 4 नंबर में दिया गया है कलर फोटोग्राफ। तो यहाँ पे 5 चीज़ जरूरी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, और 5 में दिया गया है रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट रिसिप्ट। तो रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट रिसिप्ट जो है फ्रेंड्स वो आप ये जो पेमेंट रिसिप्ट आपको बाद में निकलेगा, ठीक है। आप अगर फिलअप करने के बाद आपको ये रिसिप्ट निकलेगा, उससे पहले नहीं निकलेगा। तो ये रिसिप्ट आपको कॉलेज जाते वक्त फॉर्म भरने टाइम में काम आएगा, तो इसका भी जरूरी नहीं। ये जो आप इतना ये 4 चीज़ देके आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा, पहला फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट, सेकेंड में डुप्लीकेट मार्कशीट, कॉपी ऑफ द कॉलेज एडमिशन रिसिप्ट एंड सेकेंड में कलर फोटोग्राफ। तो ये चीज़ें जो है आपको आपको ज़रूरी है, ये 4 चीज़ है। और इसके बाद जो आपको एक रिसिप्ट निकलेगा वो आपको फॉर्म भरने के टाइम में जरूरी होगी। तो यहाँ देखिए यहाँ पे प्लीज़ कलेक्ट द रजिस्ट्रेशन स्लिप फॉर योर कॉलेज आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो ये आपको जो है कॉलेज ले जाना है फॉर्म भरने के टाइम में। चलिए मैं आपको यहाँ पे आपको किस स्टेप से आपको जो है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में देखिए यहाँ पे इस स्टेप से आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे आपको आ जाएगा नेम, ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का, देखिए आप लोगों देख लीजिए। और यहाँ देखिए ये स्टूडेंट्स का है जिसका मैं सारा कुछ ब्लर कर चुका हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट उसका एड्रेस है वो मैं ब्लर कर चुका हूँ। तो यहाँ देखिए नेम्स आपको आ जाएगा, मदर्स नेम, फादर्स नेम, सब्जेक्ट ऑनर्स में क्या था, सब्सिडी में कौन सा पेपर था, ये 14th मार्च 2000 डेट ऑफ बर्थ है, सॉरी डेट ऑफ बर्थ है, मुझे लगा कि एडमिशन टाइम है। तो ये मेल, BC2, हैंडीकैप नहीं, हिंदू इंडियन, और ये सॉरी ये सब है आपका ये डिटेल। और यहाँ पे आपको जो है मार्कशीट, यहाँ पे देखिए मार्कशीट का मेन काम होता है, यहाँ पे इंटरमीडिएट में BSc 20 से थे, मार्क्स कितना ऑब्टेंड हुआ, मार्क्स टोटल कितना था, सब्जेक्ट कितना था, मार्कशीट नंबर यहाँ पे ब्लर कर दिया गया है। तो जो भी आप मार्कशीट से जो भी रिलेटेड जो भी आपको इन्फॉर्मेशन होती है आपको ये फिलअप करना पड़ता है, और सिग्नेचर का फोटो खींच के आपको यहाँ पे अपलोड करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक फ़ोटो भी अपलोड करना होता है, जो मैं यहाँ पे फोटो ब्लर कर चुका हूँ। तो इस तरह से आपको जो है रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपको जरूरी पड़ेगा, और इस तरफ से आपको जो स्लिप निकलेगा ये आपको लेके जाना है कॉलेज, और कॉलेज में आपको फॉर्म भरने थे हमें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो भी आपको क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको वहाँ पर आंसर देने का प्रयास करूँगा। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।